नमस्कार, मैं रुपेन राजपूत आपके साथ सरहदी विद्यापीठ की अटल टिंकरिंग लैब से। आज हम आपको फिर से एक नया प्रयोग दिखाने वाले हैं। प्रयोग है प्रकाश के अपवर्तन। किस पर? प्रकाश के। ये आप बताइए क्या देख रहे हैं? एक प्रिज्म है। बताइए ये क्या है? एक गिलास तो है। गिलास का क्या है? स्लैब। क्या बोलते हैं? गिलास स्लैब। ठीक है, आयताकार बॉडी कह सकते, पृष्ठ कह सकते, कांच का। इन दोनों के साथ हम आपको प्रकाश के अपवर्तन मीन्स मुड़ने का प्रयोग दिखाएंगे। ओके, इसके लिए और आवश्यकता किसकी है? लेजर टॉर्च की। किसकी? लेजर टॉर्च। ओके, आप प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने में अंधेरे की आवश्यकता है ना, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा हमारा प्रयोग। ओके, थोड़ा आप इसको स्टॉप कर लीजिए कैमरा। तो अब अंधेरा हो चुका है, प्रयोग स्टार्ट करें। ओके, दोबारा बताना चाहूंगा ये क्या है? प्रिज्म। अब देखिए, इस प्रिज्म के माध्यम से जैसे ही हम प्रकाश डालेंगे और प्रकाश डालने के बाद देखें, आप सामने आप पर्दे में देखेंगे हमारा प्रकाश कहां पहुंचा है। हमने इस प्रिज्म पर प्रकाश डाला ऊपर की ओर। देखिए, आप देख सकते हैं, अगर हम दिखाना चाहें देखिए, आप देखिए हम प्रकाश डाल रहे हैं कहां की? छत की ओर। किसकी ओर? छत की ओर। अब इस पर थोड़ा हम झुकाया होगा सर। अब आप देख सकते हैं प्रकाश कहां जा रहा है? पर्दे पर। मतलब इस पर हमने डाला तिरछा करके ऊपर की ओर, और आपको शायद लाइन दिख रही होगी। ओके, आप थोड़ा सामने से करते देखिए, आपको इसके अंदर लाइन दिख रही है क्या? प्रकाश की। कैमरे में क्यों? आपको कैमरे में दिख रहा है क्या लाइन जाती हुई आती हुई? देखिए, इस टाइप दिख रही है क्या? इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये जो लेयर की लाइन है दिख रही है उसमें। अब देखिए, ये सामने को सब लोग देखें ध्यान से। देखिए, अभी ये लाइन जो है ना, वो जा रही है सीधी ऊपर की ओर, और देखिए इधर देखिए दीवार की ओर, ये लाइन मुड़ गई है। मुड़ गई ना, समांतर हो गई है। समांतर हो गई ना, देखिए आप, आपको लेजर लाइट दिख रही होगी समांतर में। ये दिख रही है कैमरे में क्या? ये लाइन हम डाल रहे हैं खड़े में, और देखिए समांतर हो गई। आप सामने देखिए, आप दोबारा देखिए सामने। ये हमने प्रकाश डाला कैसे में? प्रिज्म पर खड़े में, और प्रकाश सीधा कहां पहुंच गया? पर्दे पर। तो प्रकाश का मुड़ना ही क्या है? परावर्तन है। इसी को हम ग्लास स्लैब स्लैब में करते हैं। ओके, देखिए अभी हमने कहां डाला? इसको सीधा डाला। कहां डाला? सीधा। देखिए, इसमें तो लाइन दिख रही होगी आपको। इसमें आप प्रकाश को एक एक बड़ी प्रकाश अथवा अर्थात प्रकाश किरण के रूप में देख सकते हैं। हम पढ़ते रहते हैं और जिंदगी निकल जाती है प्रकाश कण प्रकाश कण। लेयर प्रकाश को हम इसमें क्या देख रहे हैं? प्रकाश किरण के रूप में देख पा रहे हैं। देखिए आप, इसके अंदर दिख रहा है आपको लाइन, स्पष्ट दिख रहा है ना लाइन? ये प्रकाश किरण होती है, राइट। किताब में क्या है कि उसको उसके डायरेक्शन को स्पष्ट करने के लिए तीर लगा देते हैं, बस इतना ही है, वो भी एक किरण है अपने आप में। अब देखें, आप देखिए, अब इसमें आप साथ में क्या देख सकते हैं? प्रकाश का प्रकीर्ण। इसमें क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्ण हो रहा है, प्रकाश फैल गया, इसलिए कलर हो गया, और जब नहीं फैलता है तो ये कलरफुल कम हो जाता है। अब हम देखें इसके माध्यम से, आप देखिए, इसमें प्रकाश किरण आपको कहीं दिख रही है? देखिए, आप देखना, देखिए देखिए,
प्रकाश कल कैसे दिख रही है आप, एक मिनट देखिए, प्रकाश किरण दिखेगी मूर्ति हुई, कैसी मूर्ति हुई देखिए आप, देखो दिख रही है ना मूर्ति हुई, कितनी बार मुड़ रही है, देखिए क्या गजब, टकरा के फिर टकराई और फिर मुड़ी, देखिए आपको दिख रही है कैमरे में, देखिए है ना कमल, प्रकाश किरण मुड़ रही है, बार बार उसका अपवर्तन हो रहा है, कितनी बार अपवर्तन हो रहा है, दो बार। जहां पर हमने हम पढ़ेंगे टेंथ पढ़ेंगे इसको, माना कि दो बार दो अवलंब बनेंगे, ये आपको प्रकाश वाले पाठ में मिलेगा, राइट। अब ऐसा लगाया अब ऐसा लगाते हैं, देखिए इसमें क्या कंडीशन बनती है स्पष्ट तरीके से, अब इसमें कितनी बार मुड़ रही है, एक बार। अब आप ये देखिए कि हम जब इसको सीधा डालते हैं, हम डालते कैसा इसको सीधा, तो सीधे निकल रही है, यानी कि हमको जब प्रकाश का अपवर्तन करवाना होता है तो जितना आप झुका के डालोगे उतना ही अच्छा अपवर्तन होगा, देखिए आप। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डालना उठा रहा हूं, देखिए अब क्या हुआ, एक बार देखिए प्रकाश का मुड़ गई ना, आपको दिख रही है इसमें स्पष्ट, और देखिए प्रकाश का मुड़ के जा रही है, देखिए देखिए देखो दीवार दिख रही है आपको, अब यहां देखिए आप, यहां फोकस करिए क्या हो रहा है, मैं प्रकाश किरण मतलब मैं प्रकाश का डाल रहा हूं लेजर का आपकी ओर, मैं कड़ा डाल रहा हूं आपकी ओर, और देखिए परावर्तन होकर कहां पहुंच रहा है, देखिए आप देखिए दीवार पहुंच रहा है ना, पहुंच रहा है दीवार पे, तो एक मिला के रियल एक्सपेरिमेंट है, हमने थोड़ा इसको पूछ कर लीजिए, खोल दीजिए, तो इस तरह से आपने देखा अंधेरे में कि हमने आपको वो एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश की है जिनको देखने में आदमी का जीवन निकल जाता है और देख नहीं पाते हैं, और आपने उन्हें कह दिख लिया बड़ी आसानी से, हम या तो उन्हें वीडियो में देखते हैं 3D मोशन के सहायता से YouTube पर, या हम देखते हैं किताबों में छपा होगा, लेकिन क्या आपने इस तरह से रियल में प्रकाश को देखा है मुड़ते हुए कभी, क्या हाथ देख लिया ना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा केवल एक ही है, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का या हमारे मुड़ना कहेंगे वो अपनी भाषा में रहेगा, लेकिन वो भाषा स्पष्ट नहीं रहेगी, परिभाषा स्पष्ट नहीं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या रहेगी अपवर्तन के लिए, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, हमने आपके सामने टॉर्च लगाई थी, लगाई टॉर्च, टॉर्च का लेजर, टॉर्च का जो प्रकाश है वो पहले चला हवा में और फिर कांच के अंदर, प्रिज्म के अंदर, ये गिलास है, ये ठोस है, तो पहला माध्यम क्या हो गया, वायु हो गया, हवा में जा रहा है वायु, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा माध्यम ठोस हो गया, ग्लास हो गया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, जाना चाहिए सीधा अब मुड़ जाता है, या तो जाते हुए मार्ग के ऊपर उठ जाता है या नीचे जाता है, जब जाता है उठ जाता है, कुमला के कुछ तो होता है। जैसे आपने अभी देखा कि पैर डाला था सीधा तो हल्का सा पतन रहता है उसके अंदर, किसके अंदर, ग्लास स्लैब के अंदर, लेकिन जैसे ही हमने उसका एंगल चेंज किया, हमने उसको डाला झुका के, तो आपने देखा बड़े स्पष्ट तरीके से, जब हमने डाला लंबाई में तो दो बार अपवर्तन होगा, रास्ता बढ़ाओगे तो अपवर्तन बढ़ेगा, और हमने डाला चौड़ाई में तो रास्ता छोटा था तो अपवर्तन एक ही बार होगा, देखा आपने, थैंक यू।